ठीक है इधर तो दर्द कहाँ ठीक है देखो पार जो है कि घंटे से डिस्कस चला हुआ है डिस्कस चला हुआ ना एक घंटा हो गया मेरे को यहाँ बैठे हुए डिस्कस चला हुआ तो डिस्कस करना चाहिए ना सास बहू को थी ऊपर आप शिफ्ट हो जाओ नीचे का आप छोड़ दो क्योंकि बारिश है ना सीढ़ियों से ऊपर से जाना पड़ता है तो बारिश में नीचे जाने की जरूरत नहीं थी मना करता रहा मैंने कहा कहाँ जा रहे हो चार साल को अब क्या पता था कि गिरना था नहीं मेरे को नहीं पता लगा मैं गिरा कैसे एकदम ही कुछ ऐसा अजीब टाइप का हुआ एक से दूसरी तीसरी का नीचे दलाम करता गिरा जा करके तब झड़के मारता रहा उठने के लिए तब तेरे को आवाजें दी मैंने मेरे को उठा ही नहीं गया मेरे को ये साइड जो है इसमें बेब दर्द हो रही है तो इसमें तो बहुत दर्द कुर्सी में तो बैठ नहीं सकता मैं नीचे वाड़ी में पर दवाई नहीं खाते कहाँ अरे दवाई खाता तो उन्होंने पता नहीं क्या कर दे देना अभी तक तो लाठी हाथ में लाठी लेना पर नहीं चल नहीं सकता मैं पहले तो अपने पाँव का बैलेंस बनाया कि पूरा पंजे का कि अगर सिर पे रहा होता लेटा ही तब बैलेंस डिसबैलेंस हो जाना हाँ मेरा नंदू आ रहा है वो रोटी छोड़ी है मैंने शाम के तो देखते नंदू कहाँ वो आ गया नंदू और ये नंदू आ गया है ये देख सकते हो आप ये मेरा इंतजार करता है कि लाली मैं जो रोटी रखी हुई खराब हो जाएगा इसलिए मैं ये दो रोटी वो बताएगी मैं आजा नंदू आजा नंदू मेरा इंतजार आजा 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 मेरे मेरे साथ आजा ओए आजा यार मेरा नंदू आ गया ला बेटू क्या कटिंग करा के आ गए आप कब करा के आए ये मास्क तो लगाया नहीं आपने क्यों पहले बताओ बड़ा अच्छा लग रहा है कोई बाल नहीं कटेंगे अभी हाँ तेरी क्या रिक्वायरमेंट है कैसे अच्छा तब तो अगली बार शानवी काट देगी मिट्टू के बाल है ना रेडी हो रही थी दूसरे चैनल पे वीडियो बनाने के लिए और जी देखिए बहुत ज्यादा लाउड जैसा मेकअप करना मुझे अच्छा लगता नहीं है वैसे सिंपल सा ही अच्छा लगता है सही बोल रहे हो आप बहुत ज्यादा हो जाता है तो तुपा तुपा सा लगता है चलिए मैं पर आपको क्या दिखाने के लिए कि ये देखिए बहुत ही प्यारा सा शेड है ना लिप शेड देखिए मेरा पहले तो पिंक कलर का मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए पिछली वीडियो में भी मैंने शेयर किया था वो इससे थोड़ा सा डार्क था पिंक वाला जो और ये देखिए ये बहुत ही प्यारा है और कौन सा है चलिए मैं आपको पहले वो बता देती हूँ ये देखिए स्टे कुर्की ये ना ये
मिनी लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक। तो ये तीन शेड्स है मेरे पास, वन बाय वन मैं आपको दिखा भी देती हूँ और लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मतलब उसी के हिसाब से फिर आप देख सकते हो। अगर आप भी लेना चाहें तो चेकअप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से पिंक कलर का ना, हाँ, आप चाहे जिस भी मर्जी सूट के कलर के साथ पहनिए ना, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो पहला तो ये जो मैंने लगा के रखा है, वैसे देखता हूँ आपको रहा ही होगा। ये देखिए, मैं अच्छे से पास से भी दिखा रही हूँ, तो बहुत ही प्यारा सा है। एक बार फिर से मतलब कि अपने हाथ पे भी मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। और आप पूछ रहे थे ना कि पिछली बार वाला कि अच्छे से लिक्विड लिपस्टिक का आप अपना रियल रिव्यू दीजिएगा, तो रियल रिव्यू मैं आपको ये दे रही हूँ कि मेरा ना वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है, फिर ये मैंने बाद में आपके लिए मतलब स्पेशली शेयर करने के लिए बनाया। तो काफी टाइम हो चुका है मुझे, सुबह से मैंने ये लगा के रखी हुई है। तो पहले तो आप देख लीजिए, ये देखिए, ये है ना, मतलब बिल्कुल एकदम प्यारा सा पिंक जो आपको सोवर जैसा चाहिए होता है, तो वो वाला। तो ये देखिए, मतलब इतने टाइम से मैंने लगा रखी है, ये देखिए अच्छी तरह से। तो ये बिल्कुल भी आपके ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। होता है ना कि जब भी हम खाना खाते हैं, या फिर मैंने खाना भी खा लिया है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, मतलब यार सुबह सुबह ही मैं क्या करती हूँ ना, अपने काम से जल्दी फ्री होने की कोशिश करती हूँ, तो इसीलिए फिर मैं जल्दी जल्दी मैं मतलब अपना सारा कुछ जो भी होता है निपटा लेती हूँ। तो इतनी देर से मैंने खाना खाया, कितनी बार पानी पिया होगा, कुछ बहुत कुछ काम किए, तो लेकिन ये वैसे की वैसे टस से मस बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो यही इस इन लिक्विड लिपस्टिक्स की खासियत है, तो बिल्कुल भी टस से मस ये बिल्कुल नहीं हुई है। और चलिए अभी दूसरा वाला मैं दिखाती हूँ आपको। दूसरा वाला देखिए, अब सूट के साथ मैचिंग कलर तो होने ही चाहिए, और ये जो तीन कलर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ऐसे कलर है ना कि जो आपके पास होने ही चाहिए। एक तो मतलब ये मैंने दिखा दिया, शेड आप नीचे से चेकआउट कर लीजिएगा, ये मैं आपको बताऊं तो ये ना नंबर 14 वाला है। और इसके अलावा देखिए, अब मैं आपको ये 4 वाला दिखाती हूँ, ये तो ये ना, ये एक रेड कलर की लिपस्टिक है, मरून जैसा, मतलब एकदम वैसा चटक वाला रेड भी नहीं है, लेकिन इस तरह का है। मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। और ये आपके पास अगर रेड सूट है, या फिर बहुत बार हमें रेड लिपस्टिक की तो जरूरत पड़ती है, तो ये देखिए है ना, मतलब एकदम रेड कितना प्यारा लगेगा सोचिए, जब ये बिल्कुल एकदम मैट लिपस्टिक है और ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होती है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो ये देखिए, ये वाला ये कलर है। और तीसरा मैं दिखाऊं तो तीसरा भी अगेन इसी तरह का ही लाइट जैसा कलर है ये, और ये कलर भी आपके पास होना ही चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हाँ जिस तरह का सेम मैचिंग कलर है, और भी बहुत सारे, वो तो आपके माइंड पे करता है ना, डिपेंड कि आप कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये वाला ये कलर है, मतलब देखिए है ना, तीनों के तीनों बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे के साथ कोई मैच नहीं है। तो ये ऐसे कलर है कि जो कि आपके पास होने ही चाहिए। तो ये कौन सा था, ये 3 वाला था, तो आप चेकआउट कीजिएगा। एक और खासियत बता दूं कि जैसे मैट लिपस्टिक आपके लिप्स को ड्राई कर देती है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करती, पूरा दिन भर आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखती है। और यहाँ पर भी ये देखिए, मतलब आप पानी पीजिए, कुछ भी कीजिए, ये बिल्कुल इधर से उधर नहीं होगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और साथ ही साथ ट्रांसफर भी नहीं होगी कहीं भी। तो ये है बेनिफिट इसका। और मतलब इस तरह की कद्दूकस चीजें तो यार होनी ही चाहिए, कभी भी आप जाते हो कहीं पे भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे भी कहीं भी चेपा लग जाता है, आप पानी पी रहे हो गिलास पे, खाना खा रहे हो, फिर बाद में देखते हो कि लिपस्टिक तो उड़ गई। तो चलिए बहुत हो गई मेरी बातें, और अच्छी लगे तो आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अभी मैं पहुंच गई हूँ किचन में, और किचन में देखिए अभी चल रही है ये लंच की तैयारी। तो लंच के लिए पहले तो एक सब्जी बना रही हूँ, साथ में छोले हैं, मतलब काले वाले जो चने होते हैं वो चावल के साथ, और ये मिक्स रोटी। तो देखिए मशरूम पड़े हुए थे फ्रिज में, कल के से लाए थे, लेकिन अभी तक मैंने इसकी सब्जी नहीं बनाई थी, तो मटर थे नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि जो जो मतलब घर में बची हुई सब्जियां हैं उनको सबको इकट्ठा करके इसके साथ बना लेती हूँ। तो थोड़े से आलू मैंने डाले, और साथ में ये देखिए मशरूम, थोड़ी सी शिमला मिर्च थी ये भी मैंने डाल दी है। तो सारी चीज़ों को ना ऑयल और प्याज के साथ ही पका लिया, और इसके बाद फिर डाल रही हूँ अब ये मसाले। तो हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और मसाला जो भी आप खाना चाहें वो सब इसमें ऐड कर लीजिए। फिर मैं बता रही हूँ कि जब आप इस तरह सब्जियों को ऑयल में ही थोड़ा रोस्टेड करते हुए बनाते हो ना, बहुत ही टेस्टी बनती हैं, कभी ट्राई करके देखना। जिनको कोई सब्जी अगर बीच में एक आध पसंद ना हो तो उसको इस तरीके से ट्राई करके देखना, फिर आप ना मतलब फ़ैन हो जाओगे कि नहीं हमेशा ही इसी तरह से फिर सब्जियाँ बनाओगे। और टमाटर अगर आप डालना चाहें तो ग्राइंड करके डाल दीजिए बाद में, और अगर नहीं भी डालना चाहें तो भी फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये सब्ज़ी।
इसके बाद लंच में हम ना चावल खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये मैं फिर बना रही थी काले वाले छोले। तो ये भीगने के लिए डाले होते हैं मैंने ओवरनाइट। आजकल ये काले वाइट ये छोले ना बहुत ज़्यादा पक रहे हैं घर में। तो तड़का मैंने तैयार कर लिया था टमाटर और प्याज का। इसके बाद फिर ये बॉईल किए हुए छोले इसमें ऐड कर लिए थोड़ी सी देर में इसी तरह से, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें भी रस जाएँ, कोट हो जाएँ। तो थोड़ी सी देर पकाऊँगी, फिर उसके बाद जो बॉईल किया हुआ पानी है बचा हुआ तो वही मैं इसमें भी ऐड कर दूंगी। तो ये थोड़ा रसीली भी बनाऊंगी चावल के साथ, और तो जी, आज चावल के साथ एक बहुत चपाती लगा करके अपना लंच हो जाएगा रेडी। क्या बात है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अभी मुझे याद आ गया, पतिदेव ने बोला था कि उनके एक पंजाबी फ्रेंड है रजिंदर, उनकी ना बेटी का बर्थडे था और ये मुझे बताना भूल गए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। मंडे को था उनका बेटी का बर्थडे। तो बहुत बहुत बधाइयां आपको प्राजी और सत श्री अकाल मेरी तरफ से आपके सारी फैमिली को, और स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। तो जी सत श्री अकाल प्राजी, और थोड़ी सी पंजाबी बोलने की कोशिश की। मैं पहले सोच रही थी ना कि इस तरह से बोलूंगी, तो अभी मुझे नहीं आ रही पंजाबी। खैर अगर बार बार सुनते हैं ना तब तो बोले। एक्चुअली उन्होंने भी साथ में बोलना था, लेकिन अभी वो पतिदेव है नहीं, वो मार्केट जैसे गए हैं। बात ये हुई ना कि कल मिट्टू के दादाजी ने बोला ना मिट्टू को कि तेरे बाल बड़े लंबे हो गए हैं, तो मैं कटवा के चलो भाई मेरे साथ, मैंने भी थोड़ी थोड़ी सी भी साइड साइड से कटिंग करानी है, तो चल पड़ गई। और मिट्टू ना उसके बाल से हमें इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा है मैंने मना किया ना कि क्या पता होता है भी बाहर, आजकल बच्चों का जाना सेफ नहीं है। तो वो हर बात पे बोलता है ना अपने पापा को कि पापा मोबाइल दो नहीं तो मैं बाल कटवा दूंगा तो सुनाऊंगी आपको, अगर चुपके से रिकॉर्ड कर पाई तो। उसकी बातें ना मतलब ऐसे नहीं रिकॉर्ड कर पाते, बहुत प्यारी प्यारी। अभी मैं वीडियो बना रही थी दूसरे चैनल के लिए, तो बस फिर सोचा आपसे भी बातचीत यहाँ पे कर लेती हूँ। तो बात क्या थी, मैं देखिए बहुत बकबक कर ली ना, तो बात ये थी कि इंस्टाग्राम पे आया था मुझे एक मैसेज कि उनका यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद ना उनके घर वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। तो देखिए मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत बार कमेंट आते हैं यहाँ पर भी ना इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे पूछते हैं इस तरह से कि हाँ क्या है क्या नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, मतलब नहीं चाहती है कि आप इस तरह का कोई भी काम करें, मतलब होता है ना कईयों की फैमिली, जैसे मेरे साथ था कि हाँ भाई पहले जॉब नहीं, क्योंकि सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी। तो पता क्या ना, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फैमिली क्या, धीरे धीरे से अपने हाँ चलिए अगर आपको है शौक है पैशन है कोई टैलेंट है और आप उसको मतलब बढ़ाना चाहते हो आगे लेके जाना चाहते हो, तो सबसे पहले प्रियोरिटी आप फैमिली को दीजिए। फैमिली को मतलब किसी भी तरह से आप मतलब ट्राई कीजिए कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, किसी भी तरह से आप उनको मनाने की कोशिश कीजिए पहले। तो फिर भी नहीं मान रहे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बता रही हूं ना कि टाइम के अकॉर्डिंग। पहले मेरे साथ भी सेम यही सिचुएशन थी, मुझे भी इस तरह से कोई मतलब नहीं था कि हाँ वीडियोस, ये तो मैं पहले भी आपको बता ही चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे किस तरह से स्टार्ट किया था वो सारा चीज मैं बता चुकी हूँ, तो अभी मैं आपका ज्यादा दिमाग नहीं खाना चाहती। तो मतलब कुल मिला के ये बोलना चाहूंगी कि जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी ना, तब तक आपका यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हर एक टाइम पे मतलब थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप आपको फैमिली की जरूरत तो पड़ेगी। मान लीजिए वीडियोज बना रहे हो या ऐसे भी, मान लीजिए आप फैमिली ब्लॉग शेयर कर रहे हो तो उसमें फैमिली ही नहीं होगी आपकी पूरी, तो आप बताइए ना कैसे कर पाओगे। तो और रही बात दूसरी की, जैसे रेमेडी के चैनल या फिर कोई भी टेक्निकल साइड का चैनल है, तो उसमें देखिए कुछ एक चीजें होती है कि जैसे आप मतलब अपना फेस नहीं दे रहे हो तो आप डायरेक्टली, जैसे मैं करती थी स्वेटर वाला तो उसमें बस हाथ और मेरा वॉइस ही जाती थी, तो उस तरह का स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी यार मैं तो यही कहूंगी कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। पहले आप अपनी फैमिली को मनाइए, उनसे बात कीजिए, फिर उसके बाद ही आप आगे स्टार्ट कीजिए और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो क्योंकि फैमिली के बिना जब तक बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता है ना, तो तब तक हम चाहे से आप कुछ भी कर लीजिए नहीं, आप आगे सक्सेस नहीं हो पाते हो। तो बहुत ज्यादा मैं बोल चुकी शायद, तो बस जो भी नया काम स्टार्ट कर रहे हो उनको गुड लक, और फैमिली का सपोर्ट जरूर लीजिएगा, कैसे ना कैसे कन्विंस कीजिएगा यार, मनाइएगा। ऐसा नहीं है सब पिघल जाते हैं, बस हमें देखना होता है ना कि उनकी दुख की नस कौन सी है, मतलब कैसे ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि फोर्सफुली, हाँ मतलब आपको पता चल जाता है कि यार देखिए किस तरह से फैमिली मेंबर्स को क्या है यार, इंसान को मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा मस्का मारिए, ऐसा है वैसा है, सेवा पानी अच्छे से कीजिए और फिर देखिए अपना काम कैसे चल जाता है। तो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, सच में भी बड़ों की सेवा पानी घर में सबकी अगर अच्छे से करोगे ना तो आप भाई फेवरेट बहू तो बनोगे ही।
तो ऐसा है जी। और बस तो आज के ब्लॉग की फिर यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और